हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां सेक्टर 70 इलाके में एक पान की दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने साथ लगी एक स्वीट और पीछे बनी ऑप्टिकल की शॉप को भी अपने चपेट में ले लिया है। आग की लपटें उठती देख लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दे दी। हालांकि देरी से पहुंचने के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह इस पान की शॉप में अचानक आग लग गई। शॉप में आग इतनी तेजी के साथ भड़की कि शटर बंद होने के बाद भी दुकान के अंदर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ देर में ही आग बीकानेर स्वीट्स तक पहुंच गई। इसके अलावा पान शॉप के पीछे बनी ऑप्टिकल की शॉप पर भी आग फैली। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दे दी, लेकिन दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में काफी देरी हो गई। दरअसल दमकल विभाग के दफ्तर से ट्यूलिप चौक की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। ऐसे में जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती, पान शॉप जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने बीकानेर स्वीट्स और ऑप्टिकल की शॉप को राख होने से बचा लिया। आग के कारण इन दोनों ही शॉप में भी कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि पान शॉप के साथ लगती और पीछे बनी दूसरी दुकानें चपेट में आने से बच गई, वरना बड़ा हादसा होने के साथ ही नुकसान भी काफी ज्यादा हो जाता। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आग लगने के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। शुरुआती जाँच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।